सुलेमान खतीब की कविता सास बहु जो काफी रंगीला रिश्ता है अब सास अपने दीवान पर बैठी हुई है बहु फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पढ़ी लिखी मिल गई उन्हें और बहु दीवान ए गालिब लेकर अपने दीवान के साथ बैठी है तो सास कहती है इन्हें चलती सो चाल देखो जी होठा हलाल देखो जी मुंह पे छोड़ी सो बाल देखो जी क्या बिछाती है जाल देखो जी सीधी सादी है जी भटकती है सादी मांजे में को कटती है आज घर में लगा को बैठी मां घर का कोंपा डुबा को बैठी माँ बेटे को भी नहीं छोड़ा वो तो पुट्टा सदा का दीवाना पूरा बंदर बना को बैठी मां क्या फिराती है कैसा गाली है एक लट्टू की पूरी जाली है उजला देखिया उछल गया पट्टा पीला देखिया फिसल गया पट्टा मेरे हाथा से क्या करूं अम्मा साफ पूरा निकल गया पट्टा कैसे जाले में उसको पकड़ी है आदमिया खाने की एक मकड़ी है बहु किसी तरह से बर्दाश्त कर रही है और कहती है ना सुनो गर बुरा कहे कोई ना करो अगर बुरा करे कोई रोक लो गर गलत चले कोई बख्श दो कर खता करे कोई जब को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई बुढ़ी कहां पीछे रहने वाली है बोली कौन ये तेरा सग्गा है कि कलेजे को थाम लेती है कितना दीदा दिलेरी बोलू माँ गैर मर्दा का नाम लेती है बहू हंस पड़ी सास से रानी गया गे हस्ती से दाता तोड़ूंगी। दात तोड़ूंगी दांत किल्ली बिठा के दौड़ूंगी बहू फाइनली रुक नहीं सकी आगे आती थी हाल दिल पे हंसी अब किसी बात पर नहीं आती तो बुढ़ी बोलने वाले का मुंह तो दिखता है तेरी चुमटी नजर नहीं आती फॉर्चुनेटली उस टाइम पर कौआ बोल पड़ा बहु को डिस्ट्रैक्शन करने का मौका मिल गया तो बहु कहने लगी कौआ लहरा के छत पे गाता है कौआ रह रह के मुस्कुराता है मुर्गी आंगन में पर सुखाती है कौन मेहमान घर को आता है दिल में लड्डू से फूट जाते हैं शायद मैके से लोग आते हैं सास मैके वालों को भी नहीं छोड़ी अए तेरे लोग आ जो घर को आते हैं किसके बाबा का आके खाते हैं झाड़ू कांटे उजाड़ कंगाला मेरे बच्चे को सब लुभाते हैं नरम लोग सब लगड़ते हैं मिठे बेरा में कीड़े पड़ते हैं दबने वालों को सब दबाते हैं नरम लकड़ी को कीड़े खाते हैं बहु फाइनली कौन दर पर किसी के जाता है वक्त मजबूर करके लाता है बंदा परवर ये बात है इतनी बंदा बंदे के काम आता है इनकी आर्ग्यूमेंट बस यहाँ नहीं रुकी काफ़ी लंबी चली पर आप पढ़ के देखिएगा काफ़ी मज़ेदार कविता का है एंड आई होप यू लाइक इट सबसे पहली कंप्लेंट जो आ, स्कूल की तरफ से घर गई थी मेरे बारे में वो थी कि गुंगी है इसको कुछ बोलना नहीं आता है किसी से बात ही नहीं करती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है घर में मारते तो नहीं हो इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है फिर जब मुँह खोला तो तब ये कंप्लेन गई कि इसको हव और नक्को के सिवा कुछ नहीं आता है जब बात करती है सिर्फ हैदराबादी में बात करती है और कोई लैंग्वेज को आती नहीं है इंग्लिश मीडियम स्कूल है <coughs> और लड़की को इंग्लिश नहीं आती है तो हमारी तो रेपूटेशन ख़राब हो रही है आप घर में कुछ सिखाते नहीं हो माँ बाप को तो इंग्लिश आती है ना तो आ, उस टाइम से आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड से एक तरह का बैन लग गया ना हिंदी की कॉमिक्स आएंगी ना आप किसी से हैदराबादी में बात करेंगी बात करनी है तो सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है इंग्लिश का वर्ड नहीं आता उस चीज़ के लिए तो आप हिंदी में बोलोगे और आप में बात करोगे अच्छी भाषा में बात करोगे तो तब से कॉन्शियसली हैदराबादी आपको यूज़ नहीं करनी है चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हो तो उस वक्त से लेके फिर जब तक स्कूल नहीं ख़त्म हो गया कॉलेज नहीं ख़त्म हो गया जॉब लग गई फिर जब जॉब जॉइन हुई तब कैब वालों से फिर से हैदराबादी बात करने को मिला हैदराबादी दक्कनी दक्कनी अलग अलग जगह में क्योंकि अलग अलग तरीके से बोली जाती है हैदराबाद की एक अपनी ओरिजिनल या जैसे उसको बोलते हैं वर्जिनल लैंग्वेज है तो तब समझ में आया हालांकि इतना सोचा नहीं था उसके बारे में कि हम चाहे कितनी भी और किसी भाषा में अपने आप को डालने की कोशिश कर ले या कोई भाषा अपने ऊपर थोपने की कोशिश कर ले या अपने आप को किसी भाषा में थोपने की कोशिश कर ले असली तरीके से आप बात आपके दिल से आप जिसमें सोचते हो उसी भाषा में आप बात कर सकते हो दिल की बात कह सकते हो तो मेरे लिए वो बोली हैदराबादी है